मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 का फसल उत्पादन एवं प्रबंधन। ये चैप्टर नंबर 1 है क्लास 8 का। देखिए फसल उत्पादन एवं प्रबंधन क्या होता है। किसान खेतों के अंदर जो बीजों को बोता है, उन बीजों को अपन क्या कहते हैं, फसल। फसल से रिलेटेड एक शब्द है कृषि। कृषि क्या होती है, जिसे हम स्थानीय भाषा में कहते हैं खेती। कृषि को ही हम स्थानीय भाषा में कहते हैं खेती। विभिन्न प्रकार की फसलों को उगाना तथा उत्पादन प्राप्त करना खेती या कृषि कहलाता है। यानी किसान क्या करता है, खेतों के अंदर विभिन्न प्रकार की फसलें बोता है, विभिन्न प्रकार के बीज बोता है, और उन बीजों के द्वारा वो एक उत्पादन प्राप्त करता है, चाहे गेहूं के रूप में, चने के रूप में, बाजरा के रूप में। इन सबको हम सम्मिलित रूप से कृषि कहते हैं। कृषि अगला है फसल। फसल क्या होती है, किसान कृषि करने के लिए, खेती करने के लिए जिन बीजों का उपयोग करता है वो क्या कहलाती है, फसल। जब एक ही प्रकार के पौधों को या बीजों को, ध्यान देना, जब एक ही प्रकार के पौधों को या बीजों को किसी बड़े भूभाग पर, बड़ा भूभाग मतलब किसान खेती करता है, खेती करने के लिए वो खेत जमीन का एक बड़ा भूभाग काम में लेता है। तो जब एक ही प्रकार के पौधों या बीजों को किसी बड़े भूभाग पर उगाया जाता है तो इसे हम फसल कहते हैं। किसानों के द्वारा खेतों के अंदर आप देखते हो, जमीन के अंदर एक बड़ा भूभाग जो होता है उसमें पूरे भूभाग पर एक ही प्रकार के पौधों या बीजों को उगाया जाता है। उसी प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं, या उन्हीं को अपन क्या कहते हैं, फसल। अब भारतवर्ष में फसलों के प्रकार, कि हमारे भारत में किसान जो होते हैं वो किस किस प्रकार की फसल को बोते हैं, तो भारत में जो फसलों का विभाजन है वो है ऋतुओं के आधार पर। ऋतुओं के आधार पर फसलें तीन प्रकार की होती है। एक होती है खरीफ की फसल, एक होती है रबी की फसल, एक होती है जायद की फसल। आगे है सबसे पहले रबी की फसल। तो रबी की फसल के बारे में क्या क्या विशेषता है, देखो इसे कब बोई जाती है, इसे जून और जुलाई के महीने में बोई जाती है। इस समय किसान क्या करता है, इस समय किसान बारिश होने से पहले अपने खेतों को तैयार करता है और जून जुलाई के महीने में रबी की फसल को बोया जाता है। और 3 महीने या 4 महीने के बाद पक कर कटाई इसकी होती है सितंबर से अक्टूबर में, यानी सितंबर अक्टूबर महीने में से काट ली जाती है। विशेष क्या होती है, खरीफ की फसल जो होती है इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं, इसे गर्मी की फसल भी कहते हैं। इसलिए इस फसल में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है और सामान्य ताप की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस खरीफ की फसलों के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, इसके अंदर धान, बाजरा, मक्का, गन्ना, ज्वार और अरहर, ये खरीफ की प्रमुख फसलें हैं। इसी प्रकार रबी की फसल, जिसे हम सर्दियों की फसल भी कहते हैं, जिसे अपन सर्दी की फसल भी कहते हैं, इसकी बुआई का टाइम जो होता है वो होता है अक्टूबर से नवंबर, यानी अक्टूबर और नवंबर माह में इसे बुआई जाती है, इसे बोई जाती है। इसकी कटाई फरवरी और मार्च में की जाती है, यानी इस महीने में ये पककर तैयार हो जाती है, इसलिए फरवरी या मार्च होली के आसपास रबी की फसल को काट लिया जाता है। विशेष क्या है, सर्दी की फसल है इसलिए इसे कम जल व कम ताप की आवश्यकता होती है। उसके बाद इस फसल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, जो सरसों, गेहूं, चना, राई, मटर, ये जो फसलें हैं इन फसलों को रबी की फसल। तीसरी फसल है जायर की फसल, जो कि मार्च अप्रैल के महीने में बोई जाती है। मार्च अप्रैल महीने में जायर की फसल को बोया जाता है। इस फसल की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, तरबूज, खरबूजा, ककड़ियां और अन्य प्रकार की सब्जियां, यानी जितनी भी प्रकार की सब्जियां होती है उन्हें हम जायद की फसल के अंतर्गत रखते हैं और इन्हें मार्च अप्रैल में बोई जाती है। अगला है फसलों के प्रकार के बाद कृषि पद्धतियां। कृषि पद्धतियां क्या होती है, कि एक किसान खेत के अंदर फसल प्राप्त करने के लिए, किसान के द्वारा किसी भूभाग से फसल प्राप्त करने के लिए उस भूभाग पर जो क्रियाकलाप किए जाते हैं, जो कार्य किए जाते हैं, उन सभी कार्यों को सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां कहते हैं। जैसे किसान के द्वारा फसल प्राप्ति के लिए खेतों में किए जाने वाले विभिन्न चरण,
या कार्यों को ही क्या कहते हैं अपन, कृषि पद्धतियां कहते हैं। यानी वो किसान खेत के अंदर जाएगा, फसल प्राप्त करने के लिए वो क्या क्या चरण करेगा, मिट्टी तैयार करेगा, वो बीज डालेगा, पानी देगा, खरपतवार से सुरक्षा करेगा, ये सारे जो चरण होते हैं, ये सारे जो क्रियाकलाप होते हैं, इन सभी को सम्मिलित रूप से कृषि पद्धतियां कहा गया है। इसीलिए किसानों के द्वारा फसल प्राप्ति के लिए खेतों में किए जाने वाले विभिन्न चरण या कार्य को कृषि पद्धतियां कहते हैं। अब देखो किसान के द्वारा कौन कौन सी कृषि पद्धतियां अपनाई जाती है। नंबर एक जुताई करना, नंबर दो मिट्टी तैयार करना, नंबर तीन बुआई करना, नंबर चार खाद एवं उर्वरक देना, नंबर पांच सिंचाई, नंबर छह निराई, नंबर सात कटाई और आठ होता है भंडारण। तो किसानों के द्वारा ये आठ प्रकार की कृषि पद्धति अपनाकर संपूर्ण कृषि को पूरा किया जाता है, जिसमें किसान फसल की बुआई से लेके उत्पादन को प्राप्त करता है। अब देखो ये आठ चरणों में क्या क्या कार्य होते हैं। सबसे पहले जुताई करना। किसान किसी भी फसल को प्राप्त करने के लिए, किसी भी फसल को बोने के लिए सबसे पहले उस भूभाग की मिट्टी को तैयार करता है। मिट्टी तैयार करने के लिए वो क्या करता है, जुताई करता है। जुताई के लिए वो खेतों में हल चलाता है। हल चलाने से क्या होती है, मिट्टी पोली हो जाती है, यानी ऊपर की कठोर मिट्टी जो होती है वो नीचे चली जाती है और नीचे से कोमल मिट्टी, सॉफ्ट मिट्टी जो होती है वो ऊपर की ओर आ जाती है, जिसके अंदर उसके बीज हम लोग आसानी से बो सकते हैं। दूसरा चरण होता है बुआई करना। यानी जो अपन ने इन दो चरणों के अंदर मिट्टी को तैयार किया था, अब उस पोली की गई मिट्टी को क्या किया जाता है, पोला किया जाता है। पोली की गई मिट्टी के अंदर बीजों को बोया जाता है। उन बीजों को बोने के बाद, इन बीजों को बोने के बाद बीजों को पोषण देने के लिए, आवश्यक पदार्थ प्रदान करने के लिए किसान के द्वारा खाद व उर्वरक का उपयोग किया जाता है। यानी किसान क्या करता है, उन बीजों के साथ में खाद भी खेतों में डाल देता है या उर्वरक खेतों में डाल देता है, जिससे बोए गए बीजों को पोषण प्राप्त होता है। जब खाद और उर्वरक डाल दिया जाता है उसके बाद सिंचाई की जाती है, यानी उन बोए गए बीजों पर सिंचाई की जाती है। सिंचाई का मतलब क्या होता है, बीजों को पानी देना या छोटे पौधों को कृत्रिम रूप से पानी देना, उनकी आवश्यकताओं की पूरी करना, पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। इस सिंचाई के बाद जब फसल बड़ी होती है तो फसल के साथ अनावश्यक रूप से कुछ हानिकारक पौधे भी उग आते हैं और उन अनावश्यक हानिकारक पौधों को हटाने के लिए निराई की क्रिया अपनाई जाती है। निराई में क्या किया जाता है, निराई के अंदर खरपतवार को हटाया जाता है, जिससे फसल की स्वस्थ वृद्धि होती है। जब फसल पूर्ण रूप से पक जाती है उसके बाद उसकी कटाई की जाती है और कटाई करने के बाद उसको भंडारण कर लिया जाता है। तो ये मैंने आपको एक शॉर्ट तरीके से बताया है, सूक्ष्म तरीके से, कि कृषि पद्धतियां क्या क्या होती है। अब हम आगे प्रत्येक बिंदु को विस्तार से समझेंगे कि जुताई कैसे की जाती है, इसमें कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं और इससे मिट्टी को क्या लाभ है। उसके बाद अगला टॉपिक अपन फिर डिटेल से पढ़ेंगे, बुआई क्या होती है, कौन कौन उपकरणों से की जाती है और हमें कैसे बुआई में कैसे बीज काम में लेने, ये भी हम देखेंगे। उसके बाद खाद और उर्वरक अपन देखेंगे कि खाद क्या होती है, उर्वरक क्या होता है, दोनों में से फसलों के लिए क्या अधिक लाभदायक होता है। उसके बाद सिंचाई देखेंगे कि सिंचाई कैसे की जाती है, सिंचाई की कौन कौन सी विधियां हैं, सिंचाई के स्रोत क्या क्या है, हमें सिंचाई करने के लिए पानी जो होता है वो कहाँ से प्राप्त होता है। उसके बाद निराई, निराई में खरपतवार को किस प्रकार हटाया जाता है। उसके बाद कटाई, कटाई करने के लिए कौन कौन से उपकरण काम में लिए जाते हैं। और उसके बाद काटी गई फसल को सुरक्षित रखने के लिए भंडारण, भंडारण के कौन कौन से तरीके हैं। तो ये अपना आगे का टॉपिक होगा।